क्लासिक। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमोन एश कैंटो रीजन। दोस्तों इसमें हम अब तक अपने टाइम में यार चार बैच ही जूझ चुका, पांचवें बैच के लिए हम जा रहे हैं। दोस्तों इसमें हम होते हैं ऐश यार। इसमें हमारी जो बिगिनिंग थी बहुत मुश्किल भरी थी, पर यार फिर भी हम इतने आगे तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। तो साथ में दोस्तों मुझे इंस्टा फॉलो करना मत भूलिए, जब भी कोई नई वीडियो आती है इंस्टाग्राम सबसे पहले पोस्ट होते हैं, इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना वक्त बर्बाद शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों मैंने कल के ही पार्ट में पूछा था कि यार अब ये बताइए कि ऐश ने किस लड़की, तीसरी लड़की कौन थी जिसने ऐश ने जिसकी साइकिल तोड़ दी थी। तो 84 लोगों ने कहा डॉन, तो यही यार सही आंसर, डॉन ही वो तीसरी लड़की थी जिसकी साइकिल तोड़ दी गई थी। दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का सबसे बेस्ट वॉटर टाइप पोकेमोन कौन सा था जो ऐश ने पकड़ा था, पर छोड़ दिया पर पकड़ा था। यार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पोल बटन या आई बटन में मिल जाएगा, अब जाइए फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो दोस्तों एक बहुत बैड न्यूज आने वाली है कि कल है 10 जून, और 10 जून मतलब ये है कि हमारा कल पोल बटन जाने वाला है, इसलिए मैं आपको पोल बटन का क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा। पर मैंने कुछ और तरीके भी निकाले ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सके, और जो पांच लकी विनर जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं शो करूंगा यार। तो आप में इसलिए दोस्तों आप चाहते हो कि मैं पोल बटन पे वीडियो ऐसे ही मतलब डालता रहूं, क्वेश्चन पूछता रहूं, तो दोस्तों चैनल को फटाफट यार 1K सब्सक्राइबर दे दीजिए यार। आप जितनी सब्सक्राइब जल्दी दोगे उतनी ज्यादा मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगा। चलिए अब चलते हैं अगले सिटी की तरफ। साथ में दोस्तों आप लोग में से कितने लोग फ्री फायर के शौकीन होंगे यार। फ्री फायर क्या बोलोगे भाई, तुम वीडियो कब बनाओगे फ्री फायर की। दोस्तों फ्री फायर की वीडियो तभी आएगी जब आप इसमें आप 1K सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दोगे, तो फ्री फायर की वीडियोस भी हम डाला करेंगे। फ्री फायर, ड्रैगन बॉल जी, बहुत सारे जो पुराने कार्टून हम देखा करते थे उन सबकी वीडियोस डाला करेंगे यार, उन सबके एपिसोड खेलेंगे, मजा आएगा गेम में। पर अगर आपको फ्री फायर की बेस्ट टिप्स चाहिए गेम के रिलेटेड, तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है यार, उसके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस मतलब गेम्स लगाई हैं यार, बहुत अच्छा खेलता है GW Tech। दोस्तों GW Tech दोस्तों गेमिंग आपको अच्छी एडवाइस देगा, आपको आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताएगा। तो जो GW Tech का दोस्तों उनका चैनल का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ लोगों की आई बटन पे भी आपको दे दूं। तो दोस्तों जाइए और उनके फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस को देखिए यार, आपको अच्छी टिप्स मिल जाएगी। तो अब चलते हैं सबरीना से चैलेंज करने के लिए सबरीना को, और ये हम चले फटाफट सबरीना को ठिकाने लगाएंगे, दिखाएंगे हम ज्यादा ताकतवर थे सबरीना से, वो तो बाद में पता लगेगा हमारी कितनी बैंड बजने वाली है, क्योंकि लेवल गेन कोई हुआ नहीं है। अरे एंटर सीधा यहीं पे है। तो सबरीना मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, सुबह जल्दी हार भी गई इतनी जल्दी, तो हॉन्टर का क्या हुआ? एक तरह से कुछ गलती नहीं होगी हो, जरा हॉन्टर को भी देख कर आते हैं। लेवेंडर टाउन का रास्ता इधर से ही था शायद, जितना मुझे अभी तक याद है। ओ ये तो हम मिनटों में पहुंच चुके हैं लेवेंडर टाउन। कर लो अपनी पोकेमोन की एचपी फुल। या अब जाकर देखते हैं
जाकर देखते हैं घोस्ट टावर में। यार क्या है यहाँ की मिस्ट्री, तो पता है क्या है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, डर लग रहा है मुझे अकेले। अरे बाबा मुझको छोड़ दो, मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। ये बोल्डर कहाँ से आ गया यार? अबे ये लोग तो ऐसे खड़े हैं कि ज़ॉम्बीज खड़े हों। ये क्या चीज़ है बे? गैसली हो फाइनल बैटल। ओ यार अटैकिंग लगेगा, लगता नहीं हम जीत पाएंगे। तो अगर ये बटरफ्ली था तो ये फ्यूरो क्या है? ये भूतों के लिए लड़ना आसान होता है। घोस्ट वाह, पोकेमोन तो हील होंगे हमारे अब। यार पोकेमोन को सड़क पे छोड़े हैं इन लोगों ने। ओ यार ये घोस्ट ही पोकेमोन लेके घूमने लग पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पर लेवल तो बढ़ रहे हैं ना, अपने लेवल बढ़ने से मतलब भी है हमें। रियर कैंडी किसको खिलाएं किसको खिलाएं? स्क्वायरल थोड़ा कम लेवल पे चल रहा है अभी। और हाँ कुछ लोग पूछते हैं कि यार कैसे पोकेमोन को करते हैं अनइवॉल्व, तो उसके लिए बी बटन दबा दीजिए, पोकेमोन अनइवॉल्व हो जाएंगे, वो विकसित ही नहीं होंगे, आप उसे मना कर दोगे। बस कर यार, लड़की बकाई है तेरी मैंने। अरे वाह हॉन्टर, हॉन्टर भाई कैसा है? सब ठीक? मजा नहीं लाइफ? अच्छा टिकटॉक, हमारे टिकटॉक की बोल रहा हूँ मैं, आई एम अ यूट्यूबर। वाह हॉन्टर हमारी टीम में आ गया। इसी के साथ हम बाहर आ गए जरा। अब जरा हम जाकर आते हैं जिम की तरफ। तेजी से भाग रहे हैं ताकि कोई हमें रोक ना सके हमारे आगे बढ़ने की मिशन पे। हम आ चुके हैं अंडरग्राउंड पार्क। अरे कब पहुंचेंगे यार, कब अंडरग्राउंड केव कार होगा? लो यार अंडरग्राउंड पार हो गया और ये हम आ गए हैं फ्री में। तो जरा देख कर आते हैं। लगता हॉन्टर को हमें देखना होगा, कि हॉन्टर को भी अब रिलीज करना पड़ेगा हमें।
चलो जाओ हॉन्टर। ये हॉन्टर फीमेल कैसे निकला इसका, वो तो मेल था। वैसे भी ऐश के पास हॉन्टर, मुझे बहुत दुख हुआ जब ऐश ने हॉन्टर नहीं पकड़ा था, पर ऐश को जब गेंगार मिला गेराइट डिजन में मुझे अच्छा लगा कि कोई तो अच्छा पोकेमोन ऐश के पास आया और ड्रैगनाइट भी आया, तो मुझे लगा ऐश सेलमस पकड़े, तो भाई ऐश सेलमस पकड़ा नहीं ना इसीलिए। अब हमने पहले की पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने नर्स जॉय से बात कर ली थी और साथ में हमें मिल चुकी है बाइसाइकिल और हमें ये ठरक और बंदी कर रहा अपनी ठरकी। कब से इधर ही खड़ा है ठरकी, यहाँ पे हिला भी नहीं। पावर प्लांट में क्या हुआ था आज के साथ? ओहो बहुत खतरनाक काम होने वाला है यहाँ पे। एक आइडिया, रिपेल। हाँ अब कुछ तंग नहीं करेगा हमें। कहाँ है मक हमारा? ए मक भाई, लगता पहुंचने वाले हैं मक के पास। वाओ मक, चलो जी दादाजी आ गए उनके। कितने लड़के हैं? नहीं नहीं फीमेल तो था ही नहीं आज का यार, मुझे पता है। ठंडा गिरा कर देखते हैं अटैक में। मैं बस ये 500 की बोल रहा था, कितना पा गया इसके अंदर? ये तो एक बार में ही आ गया। और मक की पोकी बोल से आ रही है बदबू जैसे ऐश कहता था, इसीलिए हम मक को पोकेमोन ऑफिसर ओक के पास भेज देंगे, वो इसकी देखभाल खुद करते रहेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले पोकी बोल तो ले लें, अभी हमने एक और पोकेमोन पकड़ना है जिसका नाम है तौरफ। भूले तो नहीं ना उसको, एक तौरफ पकड़ लेंगे जाल अल वाला। चलिए कोई अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम में आता है कि नर्स जॉय की मदद की जाए। तो हमें मिल चुकी है बाइसाइकिल और मेडिसिन। हमारे फ्यूचर सिटी जल्दी आ रहे हैं। लो बाइसाइकिल भी आ गई अपनी। बारिश हो गई तेज। लो नर्स जॉय, अरे पोकेबॉल दे दी हमें उन्होंने। चलिए साइकिल लेके भाग जाते हैं फटाफट। एक्सक्यूज मी, या बोलिए जब बाइसाइकिल है तो सेफ लेके घूमू बाइसाइकिल को भी। अरे पोकेमोन का रास्ता कहाँ से है? इतना लॉन्ग कट क्यों देते हैं यार ये लोग? दोस्तों इसके